हेलो एवरीवन, दिस इज अजित। वेलकम बैक टू साफलानर। श्रेणी दशम बिले आज क्लास रे तुम जीव विज्ञान बहर तृतीय अध्याय जार नाम हूँ परिवहन और संचालन। ठीक अच्छे ना, जहाँ हमें ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्कुलेशन बोली कहवा। देख बिले, इमेजिन कर आम जो खाद्य खाऊे से खाद्य जदि आम शरीर प्रत्येक कोष पाखे जब पहुँच न था तबे कौन ही था से प्रकार केवल आम देह कथा ना, आम गछ कथा भी चिंता करि परबा। आमे समस्ते जानिछे जे गछ आलोक श्लेषण प्रक्रिया रे बा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे से रोसे करछि। रोसे कला परे तार जो खाद्य गुडी को गछर प्रत्येक जागा को मथ जाउछि। जदि न जाई थाना कौन ही थांदा। गछ रोसे करिया पें दरकार पानी, पानी जाउछि कुडु ना चेररु पत्र पाखु जाउछि। जदि पत्र पाखु जाई न थांदा कौन ही थांदा, तो बहुत बड़ असुविधा ही थाना कि नाही। दरकार पड़े जीवजगत टोटाली तिष्ठि पार नथांदा। सेथिपाई जीवजगत को जदि बंची रहिबाको अछि, तिष्ठि रहिबाको अछि, तबे परिवहन आ संचालन निहाती आवश्यक। मुख्यतः परिवहन अर्थ होछि पिले माने आमे कोन बुझबा ना, जो खाद्य गुड़िक है कि आम जो खाद्य खाऊे तार जो सरलीकृत उपादान गुड़िक जो कोष पाखे पहुँचुच्छे आम परिवहन कहींपर। संचालन अर्थ हूँ जो स्पेशल आम जो ब्लड सर्कुलेशन हो आमर जो रक्त प्रवाहित होउछि पिले मान ताका में संचालन ले कोई परिबा। तो मुख्यतः उद्भिद क्षेत्र रे आउ जीव क्षेत्र रे कौन कहली, प्लांट आउ एनिमल। ठीक अच्छे ना, प्लांट एंड एनिमल ये उभय क्षेत्र रे परिवहन संचालन किपरि काम करछि ताको आम एही वीडियो रे आलोचना करिबा। मुख्यतः पिले मान दुईटी पार्ट रे हे काम पढ़िबा। प्रथम पार्ट रे स्पेशली उद्भिदर शरीर रे को प्रकार ट्रांसपोर्टेशन होउछि ताको आम आलोचना करिबा। आउ यार परवर्ती पार्ट रे ह्यूमन बीइंग्स बा जीव जगत शरीर को प्रकार होती आम परवर्त भिडे देखा। देख, जीवन धारण पाई खाद्य व्यतीत प्रत्येक जीव अम्लजान आवश्यक करे। कहीं आमको जो पे मैंने जो श्वसन प्रक्रिय जो शक्ति दरकार, श्वसन प्रक्रिया द्वारा जो शक्ति बाहर से खाद्य सहित अम्लजान दरकार। कहीं बिना अम्लजान खाद्य दहन हेनी से शक्ति बाहर। बहुकोशी प्राणी शरीर विभिन्न अंग साहर खाद्य जल को अम्लजान आहरण करती। ठीक अच्छे ना, बहुकोशी प्राणी में क्या कह ना, जो जीवर कोष संख्या अधिक थी आ प्रत्येक काम पर एक निर्दिष्ट अंग थी आम बहुकोशी प्राणी कहींपर। तो बहुकोशी प्राणी मैंने विभिन्न अंग साहर खाद्य जल और अम्लजान को आहरण बोले ग्रहण करती। उद्भिद मैंने गच्छ मैंने परेश जल आ विभिन्न पोषक तास अम्लजान अंगारकाम आदि ग्रहण करती। संग्रहित पदार्थ मान पर संचालन ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्कुलेशन मध्यम जो संस्था अच्छी ताद्वारा शरीर गोटे जगार अनेक जगह को पहुँची थाए। यह फल शरीर प्रत्येक कोष आवश्यक मुताबक खाद्य पाए, जल पाए, अम्लजान पाए, जहाद्वारा जीवन प्रक्रिया संपादित होता है। उद्भिद हो कि प्राणी हो सी बंची थाए। बर्तमान देखा आम उद्भिद परिवहन किपर हो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स बोले कौन। देख, आम प्रथम अध्याय आलोचना करे उद्भिद सबु अंश व्यतीत उद्भिदर सबु अंश विशेषतः सबुज पत्र आलोक श्लेषण प्रक्रिया संपादित हो। आलोक श्लेषण प्रक्रिया बोले कौन ना, सूर्यालोक आउ क्लोरोफिल प्रेजेन्स गच्छ कौन कर जल अंगारकाम्ल को व्यवहार करी से श्वेतसार जय खाद्य अम्लजान गैस बाहर करुच्ची। यह फल सबुज उद्भिद सौर रश्मि आलोक शक्ति को रासायन शक्ति में परिवर्तन कर श्वेतस जय खाद्य या कर उद्भिदी तार परेश दरकार कौन अंगारकाम्ल आवश्यक कै आलोक श्लेषण आवश्यक अनेक सरल उपादान हो जल जहाँ को कि गच्छ कौन कर पे ना से गचर जो चेर अच्छी से चेर बटिया मटि आणुच। ता छड़ा उद्भिद द्वारा विभिन्न चयापचय कार्य निम्ते मटर आहरी अन्न्य उपादान मत आवश्यक हो जहाँ कि जल सहित आसी जगह हूँ धातव लवण ना विभिन्न प्रकार धातव लवण दरकार पड़ी जोटा कि पा द्वारा जो मैं चेर द्वारा जो मटर पा आती से द्रवणीय अवस्था आनी था जमीक से जो उपादान गुड़िकला स्थूल पोषक आ सूक्ष्म पोषक। आम परवर्त क्लास मैं परवर्त कौन गोटे भिडियो आम तुम जीव विज्ञान बहर कौन गोटे पाठ में लास्ट आड़ बोलते पाठ अच्छे जो थी स्थूल पोषक सूक्ष्म पोषक विषय में मेनसन कर विषय डिटेल्स आलोचना करवा। नेक्स्ट आसा उद्भिद जल परिवहन। देख, जल और द्रवीभूत धातव लवण को गच्छ कौन करा मटी सहित संजोग कर अंग जहाँ ना हो चेर साहर शोषण करता है। अर्थात गचर जो चेर पे मटी को जो लग कि अच्छी से चेर पे मूलोलम अच्छी से मूलोलम द्वारा गच्छ कौन कर ना मटे थिबा जल आ धातव लवण जोटा कि जल में मिसिकी थी शोषण करसबू नियोजित होता अंश जथा कांड पत्र फूल फल आदि पाखक गच्छ कौन कर पा को पहुँचा।
चेरर शेष आड़ पे अच्छी मूल लोम जहाँ रुट हे कहे साहब गच मुख्यतः यही कार्य यही कार्य मिली जल आउ धात लवण को शोषण करें। एक कोशी मूल लोमर कोष जीवक जो पे जो मूल लोम अच्छी गचर जो मूल लोम बोले चेरर जो अग्रभाग अच्छे पे तार जो कोष जीवक अच्छी से कोष जीवक आ जो मटी अच्छी कोष जीवकर सांद्रता द्रवण सांद्रता आटर जो द्रवण सांद्रता भितर तारतम्य थ पे तारतम्य को आधार कर मूल लोमर कोष भितर को मटी भितर से जो जल द्रवण मटी मूल लोम आड़क प्रवेश करता है। ये पे दुईट प्रक्रिया साहय गोटे हूँ पारस्वती प्रक्रिया और हूँ विपचन शक्ति प्रक्रिया। कौन कहली पारस्वती प्रक्रिया एवं विपचन शक्ति प्रक्रिया ये दुटा जिनस पे मन रखा पड़ो। ये दुईट प्रक्रिया द्वारा गच कौन कर तार मूल लोम द्वारा मटीरे जल आधात लवण को निज आड़क शोषुच्छ। देख यहाँ मनकर तार पे मूल लोम ओके ये अच्छी मन एटी अच्छी मटी अच्छे तो जल कौड़ कौड़ जल पे मटी मूल लोम आड़ जाए इे गच पाक जीव तो देख पे ये कौन होना दुटा परिस्थित सृष्टि होती। प्रथम है मूल लोम बेले बेले कौन होना जो सांद्रता कमी जा मूल लोम सांद्रता कमी जाटी सांद्रता बढ़ी जाऊँगी तो मटी जो सांद्रता बढ़ला मूल लोम जो सांद्रता कमला तो ये क्षेत्र में पे आम जो अच्छी जो विपजन शक्ति अच्छी पे से प्रक्रिया द्वारा कौन हम मटी मूल लोम आड़क जल जाक प्रवाहित हे जदि मूल लोम सांद्रता कम आटे सांद्रता अधिक अच्छी कि बेले बेले मत कौन होार उल्टा भी होल्टार अर्थ हो मूल लोम पे सांद्रता अधिक थाटर सांद्रता कम थामित भी होचुएसन पे पारस्वती अस्मोसीस प्रोसेस मटी मूल लोम आड़ प्रवाहित होर्थात सांद्रता मूल लोम कम था कि बेसी था मटे कम थ बेसी था ये पारस्वती विपचन शक्ति प्रक्रिया द्वारा प्रवाहित हुए। ठीक अच्छे आउ थे कौन मूल लोम कम मटे बेसी हेले विपचन शक्ति द्वारा आूल लोम अधिका मटे जदि कम थी तेज पारस्वती प्रक्रिया द्वारा। देख पारस्वती पद्धति में मूल लोम सांद्रता मान अधिक सांद्रता थी जोटा कि मुझे कहती अधिक सांद्रता थी कम सांद्रता विशिष्ट मटी द्रवण गुड़ी प्रवेश कैसे मात्र समय समय कौन हो विपरीत परिस्थिति में मूल लोम कोशजीवक कम सांद्रता था मटे अधिक सांद्रता था तो से समय मतलब से समय विपजन शक्ति साय कर मूलर अंश सक्रिय भाव संपृक्त जेहेतु से सांद्रता जोड़े भी कम था कि बेसी था जेहेतु ये मूल सामिल था चेर सामिल था तेणु यह जलर सक्रिय शोषण बोली कह कौन कह जलर सक्रिय शोषण बोली कहुए मूल लोम कोषर यही सब जलीय द्रवण प्रवेश पर विश्रण प्रक्रिय मूलर जाइलम को जाली जाए तो पे मूल लोम को पलि आसा मूल लोम जल पलि आसा कौन हम ना मूल लोम सहित कनेक्शन होती है मैं जाइलम टीस्यू कि टीस्यू जाइलम टीस्यू कनेक्शन होती है तो मूल लोम जो पा गुड़ी थी से जगह जाइलम टीस्यू भितर को पलब जाइलम टीस्यूर बाहिका हूँ ट्राकिड ट्राकिड द्वारा कौन हम ना यह मूल ठार आरंभ कर गचर अग्रभाग बोले पत्र पर्यंत पूरा लंबा भाव में अनवरत पा गुड़िक अविच्छिन्न भाव में परिवहन होगा पत्र भाग में पहुँच तेणु थे कौन हम ना थे मूलर जाइलम टीस्यूर जल जदि प्रवेश करदेव ताऊ छिन्न होवार प्रश्न होगा ना पूरा अविच्छिन्न लगातार पा गुड़िक जाइलम टीस्यू देकर गचर पत्र पाखे सी पहुँच बुझिपाल ना अरे बुझिपाल कि नहीं मूल लोम भितर को थे पा आसला आसला जाइलम भितर को गला जाइलम ट्राकिड साहय मूलर आरंभ कर पत्र पर्यटन से अनवरत जल प्रवाहित करें। उद्भिदी क्षुद्र होते शोषण द्वारा अति सहजे जल उद्भिद विभिन्न अंग में पहुँच पारे। ठीक अच्छे ना जदि गच्छी पे छोट अच्छी तेज गच्छर विभिन्न अंग को आराम से शोषण प्रक्रिया द्वारा जल पहुँच पार कि बड़ ग पलैस तो से क्षेत्र में मूल में सृष्टि होता चाप सबू अंश को जल पर ना से गु उच्छेदन प्रक्रिया उच्छेदन चाप्र सा ना पड़ो। ठीक अच्छे ना एटे उद्भिदर जल पर उद्भिदर अग्रभाग विशेषतः पत्र में उच्छेदन चाप सृष्टि होने को उच्छेदन चाप के सृष्टि हुए ना पत्र में सृष्टि हुए तो किमी पत्र सृष्टि होती चल ये देखा उच्छेदन मध्यम पर किपर कराए किपर हुए। देख देख गोटे उद्भिद को उपयुक्त परिमाण जल प्राप्त होते गोटे गच्छ पे मैंने से गच्छ को जब उपयुक्त भाव में प्रवाहित मानने जदि से प्रचुर परिमाण जल जब पाऊ थो तो अटोमेटिक तरह जो पत्र था पे से पत्र गुटा कौन हम ना पत्र था स्टोम था स्टोमाटा था स्टोमाटा देकर जीक मानने मनकर मैं पाँच लिटर से पा दे दु लिटर पा से बाहर कला आ बलकार तीन लिटर से बलका तीन लिटर पा कौन कर ना जलाष्प आकार वायुमंडल से छाड़द तो स्तोम्रे जलक्षय ना कि जलक्षय मीनि स्तोम्रे कौन है ना शून्य स्थान होगा
जदि पत्र जदि स्तंभ पिलाने शून्य स्थान पूरण होला तबे तार ताकु पूरण करिया पई पत्र बाहिकारु स्तंभ को जल आसिबो तो पत्र बाहिक रे जल कमी जीव तो पत्र बाहिक गते जोडा लागी थिबो सेडे जल रण कमी जीव तो सेडी गते पानी कुडी आइया ना सी जोडी कनेक्शन हेदिबो ए पर रे पत्र कोशरु जल के होले सेते संशोषण संशोषण चाप सृष्टि हुए ये संशोषण चाप जल परिवहन संस्था निकट उपलब्ध हुए ताद्वारा उद्भिद मूल रू तार ऊपर अंश पर्यटन जल परिवाहित हुए यह जलर निष्क्रिय शोषण बोली कह जाए। देख उच्छेदन प्रक्रिय उद्भिदर जल और से द्रवीभूत धातु लवणर शोषण एवं से गुड़िकर उद्ध पर संभव हुए तो उच्छेदन प्रक्रिया द्वारा कौन होना जल धातु लवण गुड़िक मूल देकर चेर मूल चेर देकर पत्र पाखे पहुँचुचे तार ऊर्ध्व परिवहन हो तो जल परिवहन पे ऊर्ध्व परिवहन ही काफी अटे ताछा उद्भिद स्तर में जल एक निरवच्छिन्न संस्था गठित होवर यह उद्भिद तापमात्रा नियंत्रण करें तो गछरे जो उच्छेदन प्रक्रिया होछि उच्छेदन प्रक्रिया द्वारा प्रथम होगा जल चेरु मूल पत्र पर्यटन पहुँचुची द्वितीय होगा गछर तापमात्रा नियंत्रित रोचे अच्छा देख स्तंभ हूँ पे गछर उच्छेदन रोटे मुख्य अंग कि केवल स्तंभ मैंने स्तंभ व्यक्त किसी त्वचावरण जहाँ आम कटिकल बोली कहे आतरंध्र जहाँ आम लिंटिक सेल कहे तो ही त्वचावरण आतरंध्र मत साय कर उच्छेदन प्रक्रिय त्वचावरण केवटे अच्छे पे से पत्र में जो पत्र में स्तंभ अच्छे से पत्र में ही त्वचावरण अच्छे आतरंध्र केवटे अच्छे ना बातरंध्र पे फलर बड़ी फलर जो आम जो गचर जो फल था शरीर में ता सहित जो कांड था कांडर शरीर में बातरंध्र था जहाँ जल कौन हो उच्छेदन प्रक्रिय वायुमंडल को जापार तो त्वचावरण बातरंध्र द्वारा उद्भिद किसी पर उच्छेदन हो तो उद्भिद उच्छेदन केवल स्तंभ ना स्तंभ स्तंभ व्यतीत त्वचावरण आतरंध्र द्वारा हो उद्भिद पत्र अधित्वचार उद्भिदर जो पत्र अच्छे तार अधित्वचार उपरी भाग में गोटे अठाड़िया पदार्थ द्वारा त्वचावरण गठित होता है उच्छेदन को यह नियंत्रित करते सुधा यह मध्यम जल आस आकार उद्भिद को बलगा जल निर्गत होता है ता सहित कांड फल बातरंध्र बड़ गछर बकल अति सूक्ष्म खोला अंश भाव ये जो बातरंध्र था अल्प अल्प परिमाण ये मतलब उच्छेदन प्रक्रिया कर देखिया पोषक गछ आलोक शोषण प्रक्रिया पे रोषे करदेला खाद्य प्रस्तुत होगा श्वेत सजात खाद्य प्रस्तुत होगा बर्तमान से खाद्य गछर विभिन्न अंग को पहुँच क्या द्वारा फ्लोएम टिश्यू द्वारा क्या द्वारा पे मन रख फ्लोएम टिश्यू द्वारा देख चयापचय प्रक्रिय उद्भिदर विभिन्न अंग में संश्लेषण उपादान विशेषतः सबुज पत्र मैंने से कह चाहे सबुज पत्र गचरे आलोक संश्लेषण द्वारा श्वेत सजात खाद्य तार विभिन्न आवश्यक अंग को परिवाहित होता है यह पोषक स्थानांतरण कह तो गछ रोष कला से खाद्य गचर विभिन्न पार्ट को जो पठाऊँ पोषक स्थानांतरण कह बा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स उद्भिदर संवाही टिश्यू जहाँ फ्लोएम बोली कहे ताज्य यह कार्य होता है आलोक श्लेषण उत्पाद गुड़िक व्यतीत आमिन अम्ल पर उपादान एपरी पर तो आलोक श्लेषण प्रक्रिया जो सत्य जाती खाद्य या तो परिवहन होता सहित एमिन अम्ल जोटा कि आम जबखाजान अणाई थोड़े परिवहन करा उद्भिदर खाद्य संचयकारी अंग जपरिक फल को से खाद्य जाऊँगी कि मूल को कि मंजी को कि कांड को कि मूलर अग्रभाग को जाकि पोषक पहुँचे उद्भिदर जल परिवहन केवल ऊर्ध्वमुखी होता है किंतु खाद्य परिवहन ऊर्ध्व आ पार्श्व निम्न सबुआड़े होता है ठीक है जल ऊर्ध्वमुखी होगा आसी खाद्य ऊर्ध्व पार्श्व निम्नमुखी होता है यह फल संश्लेषित स्थान व्यवहृत होता स्थान को पोषक परिवाहित हो उद्भिदर जीवन प्रक्रिया चालू रखे संश्लेषण होता स्थान को मन रख जो खाद्य प्रस्तुत होता पोषक उत्सव सोर्स कहवहृत स्थान को जमामुक्त अंश बा सीन के लिए कहते सीन के नेक्स्ट आसला परिवहन प्रकारभेद और विविध तत्व परिवहन प्रकारभेद और विविध तत्व उद्भिदर आवश्यकता को नहीं तीन प्रकार परिवहन देखा जाए जिनकी ऊर्ध्व परिवहन निम्न परिवहन पार्श्व परिवहन गछर मूलर पत्र जाए जो पानी प्रवाहित होता ऊर्ध्व परिवहन कहुए आ खाद्य जो प्रवाहित होता ऊर्ध्व परिवहन निम्न परिवहन पार्श्व परिवहन होती ऊर्ध्व परिवहन जल अच्छा जल जब पे पोषक मत जापे लगे पोषक मन गछर पत्र मन कम हाइट थी तो तार आहरी उपरू जावाक अच्छे तो जापर से तो जल पोषक दुई जगह जाऊँच निम्न पार्श्व परिवहन केवल प्रस्त खाद्य जाऊँच प्रश्न होता है शाल नड़िया ताल आदि उच्च गछर अग्रभाग में जल किपरी एत दूर पर्यटन परिवाहित हो पड़े तापाने तीन टा तत्व अच्छे गोटे हूँ कैशिक आकर्षण तत्व जहाँ कैपिलरी आट्राक्शन मूल जो चाप रूट प्रेसर आ गए संसद तत्व कोहेसन थ्योरी तीन टा थ्योरी तीन टा तत्व साहय लंबा लंबा गछर जल पहुँची पड़ी उपर तो प्रथम गोटे गोटे देखिए आम देख प्रथम आसला कैशिक आकर्षण जहाँ आम कैपिलरी आट्राक्शन कहे देख गोटे कैशिक नली
को जल में बुड़ाइले गोटे कैशिक नदी पाने पे बुड़ेगा तेज कैशिक आकर्षण जनित चाप आ जलर उच्च पृष्ठतन जो जल कह ना कैशिक नल देखिए उपरू उठ नली मध्य जलर उच्चता गोटे नली भितर नली अच्छे से नली भितर पाटा के उठ सीटा डिपेड कर नलीर ब्यास मैंने नलीर ब्यास जिते छोट मन देखा मोटे अच्छे यहाँ नेली मन देखो यहाँ आपेक्षा आहरी पतला अच्छे तो जिते अधिक पतला हम पा से अधिक ऊपर को उठब तो नलीर ब्यास जिते छोट हे जलर उच्चता से अधिक हम अर्थात जो गचर लंबा थी कि पतला थी तो आराम से कैशिक आकर्षण द्वारा हो पार तो जाइलेम कैशिक नली जाइलेम हूँ से कैशिक नली सदृश ता जल कैशिक आकर्षण जो ऊपर उठे देखो एक मिलीमिटर रहा भाग रही भाग एक मिलीमिटर शहे भाग होते पा प्राय तीन मीटर ऊपर मैंने उठे आ जाइलेम टेसर ब्यास जब शून्य दशमिक शून्य शून्य एक मिलीमिटर रुणा थी बोले यहाँ एक बै हजार है तो जल प्राय पे दस मीटर ऊपर को उठिपे आठार अधिक उठब ना तेणु छोट छोट गच बोले दस मीटर भितर थे गच पाई कैशिक आकर्षण जल पर लागू हे मत अति उच्च वृक्ष लागू हे ना तर आसा मूल चाप जहाँ रुट प्रेसर आम कौचे देख कौन एक उद्भिदर कांड को अधर काटिदे कौन एक उद्भिदर पे कांड को जब अधर काटिदे तेज क्षत स्थान जलय पदार्थ बाहर लक्ष्य कराए नहीं कि तो मूलज चाप जो पे हो गर कटाचे जब आम गोटे मानोमीटर लगे मानोमीटर हूँ पे चाप मापिया गोटे जंत्र तेज मूलर जो चाप सृष्टि हो जगह आमको धरा पड़ो जदि जलर ऊर्धन मूल चाप आवश्यक तेज उच्च गचपाई अधिक हवा कथ कि दुर्भाग्य कथ पे जब बड़ गच ने तो बड़ गच निहां तो चाप अधिक पड़ा कथा कि मूल मानते अग भाग काटा आठ मानोमीटर नहीं रखा तेज से आसुनी मैंने कम गच जी मूल चाप आसता हो उच्च गच्छे आसुनी ताल निहां रूपए मूल चाप जो तो गचर पा एत उच्च पर्यटन उठी न कहना जदि उठी था तो मूल चाप अधिक आता नहीं कि तो से दृष्टि यहाँ को मैं गुरुत्व बोली कहीपर ना नेक्स्ट आसा संशक्ति तत्व जहाँ आम क्वेश्चन थ्योरी कौचे जलर शोषण मुख्यतः उच्छेदन प्रक्रिया द्वारा संक्रिया जो आम पूर्व पे उच्छेदन प्रक्रिया कथा पढ़ले से आप लागू अटे जलर शोषण मुख्यतः उच्छेदन प्रक्रिया द्वारा संक्रिया होता है यही प्रक्रिया हेतु पत्र बहु परिमाण जल क्षय हो जल क्षय जो कौन हो पत्र फल करें जलर विसरण चाप जो चाप कमी जाए तेणु पत्र सीरा प्रसाद जल आसिक फल कर रही है मैंने पत्र फल गुरु स्तोम देकर पला स्तोम दे पला तो स्तोम जलर अभाव होगा तो से स्तोम पाखक पत्र फल जल जाक पड़े पत्र फल जो जलर अभाव हम पत्र फल को सीरा प्रसिद्ध लगी जल आसिक पत्र फल लगे जहाद्वारा सीरा प्रसिद्ध विश्रण चाप कमी नहीं कांडर जाइलेम टीसी पत्र सीरा प्रसिद्ध को गति कर जल यहपर भाव में कौन होना तल तल आई वायुचाप मानने तल तल आसा चाप कमी कमी आई चाप पूरण करने पानी जाग उपरूर जा अर्थात पत्रपुष्ठ अर्थात पत्रपुष्ठ से उच्छेदन जनित आकर्षण जो मूल रू पत्र पर्यटन जलर एक निरवच्छिन्न धारा प्रवाहित हुए जलर यही धारा को उच्छेदन स्रोत ट्रांसपिरेसन सिस्टम स्ट्रीम बोली कह जाए ये जो उच्छेदन प्रक्रिया जल जो प्रवाहित हो पाक मुख्यतः दुईट कारण जो हूँ प्रथम है अति सूक्ष्म नली भितर जल अणुमान मैं जल अणु भितर आकर्षण बल अधिका जहाँ आम संशक्ति बल कौचे कोईसी फोर्स कोईसन कौचे द्वितीय है जल आ जाइलेम जो टीसु अच्छी मन जाइलेम टीसु जल मन लगेगा सी तलू आसपे पुरु सीधे जापर कि तलू आसपारे तो जल जाइलेम भित्ति मध्य जो संलग्न बल अच्छे तो जल जाइलेम भितर संलग्न बल जो से तलू खसे ना आ जल जल भितर संशक्ति बल तो उद्भिदर जलर पर प्रक्रिया को व्याख्या करने वर्णित होता तीन तत्व मधु कौन गोटे पर्याय संपूर्ण त्रुटिभूत तो नुहे ठीक अच्छे एटे जो तीन टा पर्याय पढ़ले कौन तीन टा पर्याय बोले कैशिक आकर्षण जनित मूलज चाप आ संशक्त तत्व तीन टाइम जो आम पढ़ले कौन गोटे पर्याय और संपूर्ण त्रुटि रही तो नुहे बोले सब जगह ठीक ना तेज ये कहुपे कैशिक आकर्षण मूल चाप संशक्ति बल आ संलग्न बल रिलित भाव उद्योग जल तथा पोषक परिवहन होती तो तीन जगह मिसिकी गोटे गचर पोषक गुड़ी प्रभावित होता है उपर पर्यटन नेक्स्ट आसा जलर उद्भिदर जलर पर दर्शाई गोटे परीक्षा कर आप पे आम गोटे कोनिकल फ्लास्क ना नाली काली ने साफ्रानी रंग ने जल ने हरगोरा गच ना यहाँ पे तुम अलरेडी क्लास सेवेन पढ़ी आस से कोनिकल फ्लास्क कौन कर अधा पा ने से दुई तीन दुबा नाली काली मिसेबापर पा रंग लाल हो देख गोटे हरगोरा गच ना सावधान मटर चेर सब उपाड़ी चेर को भला धोईदे
कोनिकल फ्लास्क रे गछटी को सीधा कर रखिबा जेपरी चेर नाली पानी भितर बुड़ रहइबो। एक घंटा बुड़ रहला पर कौन देखिबा देखिबा झरपुरा गछर कांड पत्र सब नाली होइछि। कोनिकल फ्लास्क रे थिबा नाली पानी चेर द्वारा स्वस्थ होकर गछर कांड पत्र रे शिरापस मधु प्रवाहित होइछि। एथु जनागला जे उद्भिद रे जलर परिवहन हेइ थौछि। नेक्स्ट आसला मनुष्य शरीर परिवहन संस्था। तो पिला माने यार जो माने परत जो पार्ट आम आलोचना करेले कहते तो आम आउ गोटे पार्ट आसो जो थे मनुष्य शरीर परिवहन संस्था कौन रक्त संचलन कौन हृत्पिंड कौन ये सब विषय में डिस्कस करेंगे से तौर। ठीक अच्छे तो क्लास टी किपर लगे निहत समस्त कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे भल लगी निहत गोटे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ध्यान रख पे रेगुलाली आम चैनल तुम मैं क्लासेस कराऊँ रेगुलाली पे सतटा आधे तुम मैं क्लास होने समस्त जॉइन हो आज समस्त फ्रेंड को सेयर कर जॉइन कराओ। ठीक अच्छे तो चलो वीडियो के टेन करेंगे समस्त। थैंक यू सो मच।